क्या हुआ भाभी जी, मुझे क्यों बुलाया? पूजा से कोई गलती हुई? नहीं नहीं, बैठिए तो सही आप, बैठिए ना। आइए लीजिए। चंचल पुत्र, तूने हमारी बड़ी मदद की है, अब तू भाभी जी के साथ घर चली जा। ठीक है, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। देखिए भाभी जी, मैं पूजा की शिकायत नहीं कर रही, वो तो मेरी बेटी जैसी है, मैंने उसे बड़ा होते हुए देखा है, लेकिन भाभी जी आजकल वो अजीब हरकतें करने लगी है। क्या किया पूजा ने? अगर मैं उससे बात करती हूँ भाभी जी, तो शायद बात बिगड़ सकती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उससे बात कीजिए, शायद कोई परेशानी है पूजा को और वो मुझे नहीं बता पा रही। ये तो हो ही नहीं सकता कि आपके होते हुए पूजा को कोई परेशानी हो। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप पूजा से एक बार बात करके देखिए। यही बात तो मुझे पसंद नहीं, अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। मैंने व्रत रखने से मना किया था ना, पर तुम नहीं माने, अब देखो तुम्हें चक्कर आ रहे हैं ना। मुझसे गुस्सा क्यों हो रही हो पूजा? वो तो मेरे कहने पर कल रात तुमने थोड़ा सा कच्चा मांस खा लिया, तभी तो उठ पा रही हो, वरना कितनी कमजोरी आ जाती। ये सब नाटकबाजी बंद करो पूजा, कोई अपने पति के लिए अगर व्रत रखता है तो क्या उसे मांस खाकर तोड़ता है, और वो भी कच्चा मांस? ओहो पूजा, तुम ही ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने कल शिव जी का व्रत रखा था और उस व्रत की पूर्णाहुति होने से पहले मेरा व्रत टूट गया। लेकिन बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? जाने दीजिए, पूजा ने अपनी गलती मान ली है ना। आप मेरा यकीन मानिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। आप या तो इसे मेरी गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए, या फिर गुना समझकर जो भी सजा देना चाहे दे दीजिए, लेकिन आई प्रॉमिस मम्मी, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। देख पुत्र, गलती सबसे होती है, बड़ी बात तो ये है तूने अपनी गलती का एहसास किया, ये मेरे लिए काफी है पुत्र। लेकिन अब व्रत का क्या होगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने पंडित जी से बात कर ली है, वो कल आएंगे, व्रत खंडित होने का प्रायश्चित करेंगे। तुझे ना व्रत फिर से रखना होगा पुत्र। रखूंगी मम्मी, जरूर रखूंगी, एंड आई प्रॉमिस इस बार कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब रोना बंद कर, जा विक्रम नाश्ते के लिए वेट कर रहा होगा, वो तैयार हो गया होगा, जा। तुम दोबारा गलती कर रही हो पूजा, मैं इस बार भी तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होने दूंगी, और तुम तो जानती हो
अगर इस बार तुमने व्रत रखा तो तुम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अब मामी जी, अब ये जो पूजा आप कह रही थी, क्या ये पूजा दिन के समय में हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? पर क्यों पुत्र? अब नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली कुछ दिनों से मुझे शाम के समय में थोड़ा बुखार हो रहा था, तो मैंने सोचा। बेटा पहले नहीं बताया तुमने पुत्र? डॉक्टर को बुला लेते हैं। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर से तो मैंने खुद ही बात कर ली थी और दवाई भी ले ली थी। बस मम्मी, अच्छा यही होगा अगर पूजा दिन के समय में हो जाए। बिल्कुल हो जाएगी, मैं पंडित जी से कह दूंगी, तू बिल्कुल चिंता मत कर। जी। हाँ बेटा बोल। बीजी मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोल ना बेटा, क्या बात है? बीजी देवरानी की हरकतें दिन बर दिन बदतर होती जा रही है। कल रात उसने मुझसे जो कुछ भी कराया वो सब देखकर मम्मी जी मुझसे बहुत नाराज है। मैं जानती हूँ बेटा, मैं भी दिन रात देवरानी के बारे में ही सोचती रहती हूँ, कब उससे पीछा छड़ा हूँ और कैसे पीछा छुड़ाए। बीजी मैं तो ये सोच के डरती हूँ, कभी उसने विक्रम के सामने मुझसे कोई ऐसी वैसी हरकत करा दी तो विक्रम तो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। इसीलिए बीजी मैं सोच रही थी कि विक्रम को सारी सच्चाई बता दूँ। नहीं बेटा, ऐसी गलती भूल के भी मत करना, इससे तुम दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अगर देवयानी गुस्से में आ गई ना तो कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है तुम दोनों को। नहीं बेटा, जैसा सब चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन बीजी। बेटा कोई ना कोई तो हल निकलेगा ना। पर बीजी कब तक? मैं तेरी बेबसी अच्छी तरह समझती हूँ बेटा, लेकिन जब हालात इंसान के हाथ में नहीं रहते हैं तो भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए, और तू देखना भगवान भली करेंगे। समय तू बच्ची से चाय पिला दे चलती। अभी बना के ला दे। ठीक है। प्लीज पूजा, आज नहीं, मैं बहुत थका हूँ। एक तो इतनी देर से आते हो और फिर थके हुए होने का बहाना बनाते हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ? चुनाव बार विक्रम, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। देखो पूजा, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज मेरे सिर में बहुत दर्द है और मैं सोना चाहता हूँ।
अच्छा वाकई तुम्हारे सर में दर्द है या और कोई बात है? ओ कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे बोर हो गए? ये अचानक तुम्हें क्या हो जाता है पूजा? कैसी बातें करती हो तुम? Are you out of your mind? मैंने वही कहा जो मुझे लगा। वैसे भी विक्रम अक्सर प्रेमिकाएं पत्नी बनने के बाद अपना जाम खो बैठती हैं। मैंने सोचा शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। देखो पूजा, तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोचो, ठीक है? मुझे चैन से सोने दो प्लीज। अगर मुझे महायक्षिणी को प्रसन्न करना है तो मुझे देवयानी को बुलाना ही होगा, क्योंकि सिर्फ वही मेरे बराबर का तारक है। छोटी सी गलती ने वशीकरण पंथ को लट दिया और उसकी मौत हो गई। लेकिन वो मेरी मदद तो कर ही सकती है, क्योंकि आने वाली अमावस की रात को जो शक्ति प्राप्त होने वाली है उसके बाद और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। उसके बाद से कोई नहीं रोक पाएगा। जरूर आएगी, उससे मेरे पास आना ही होगा, आना ही होगा। जाना होगा।
जाने की राह देव जाए जो मेरी शिक्षा है और मेरा बुलावा कभी डाल नहीं जय चामुंडे जय चंडालिका प्रणाम बाबा आपके काबू में तो हजारों आत्माएं हैं फिर आपने मुझे कैसे याद किया सच कहा बिल्कुल बिल्कुल मैंने हजारों आत्माओं को काबू में कर रखा लेकिन तुम हजारों आत्माओं को ये सब आपकी आशीर्वाद है बाबा कहिए मैं आपके किस काम आ सकती हूँ भाई यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए मैं जानता हूँ बहुत शक्तिशाली हराने वाले तुम्हें जो शक्तियाँ प्राप्त होने वाली है उससे मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो हेलो निमी मैं सुमन बोल रही हूँ क्या हुआ सुमन सब कुछ ठीक तो है अरे निमी अगर मैं ठीक होती तो तुझे आधी रात को परेशान थोड़े करती लेकिन बात क्या है सुमन तू किसी तांत्रिक को जानती है ना मुझे उसका पता चाहिए ठीक है मैं तुझे उसका पता समझा दूंगी ठीक है फोन रखती हूँ समझ गई बाबा हम दोनों को एक संपूर्ण शक्ति बनकर अपनी अपनी मंजिलों को हासिल करना है बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने मेरे कहे पे ध्यान दोगी तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते जो आ गया बाबा क्या चाहती हो मुझसे मेरी मदद कीजिए मेरी बहू पर दुष्ट आत्मा का साया है और वो दुष्ट आत्मा रोज शाम को 7 बजे मेरी बहू के अंदर प्रवेश कर जाती है और अपनी मनमानी करती है हमारी मदद कीजिए
भटकती आत्माओं को मुक्ति दिलाना ही मेरा काम है। आपकी बहू के अंदर जो भी बुरी आत्मा है उसे मैं जरूर बाहर निकालूंगी। लेकिन लेकिन क्या भरने जी? लेकिन उस शैतानी रूह को आपकी बहू के अंदर से निकालने के लिए मुझे आपके घर जाना होगा, और हो सकता है कुछ दिन वहां रहना भी पड़े। आपके घर वालों का एतराज तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई एतराज नहीं होगा। मैं अपने घर वालों से कह दूंगी कि आप मेरी बचपन की सहेली हैं, उसके बाद आप जितना जी चाहे वहां रह सकती हैं, बस हमारी मदद कर दीजिए। अब आप निश्चिंत होकर अपने घर जा सकती हैं। मैं आपकी बहू को जरूर ठीक करूंगी। पूजा, ये सब क्या है? क्या है ये सब? ये मैं खुद नहीं जानती कि ये क्या है। तुम्हें नहीं मालूम पूजा? शायद तुम्हें याद नहीं, कल रात तुम अघोरी बाबा से मिलने शमशान गई थी, और वो भी पैदल। प्रणाम बाबा। मैंने हजारों काबू में करा, लेकिन पूजा क्या हुआ, क्या सोच रही है तुम? कुछ नहीं, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। सॉरी, तुझे इतनी देर इंतजार करना पड़ा। अरे नहीं, तुम दोनों की फोटोग्राफ्स इतनी प्यारी है, यू जस्ट लुक मेड फॉर ईच अदर। पूजा क्या बात है, बड़ी थकी थकी लग रही हो, रात को नींद नहीं आती क्या? कैसी दोस्त है तुम्हारी, आधे ही साथ तुम्हारी दुखती रग पे हाथ रख दिया, so sad। पूजा, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, तू बता विशु कैसा है, इतने दिन बाद अमेरिका से आया, how things going? बहुत अच्छा है विशु, और जानती हो जब अलग रहते हैं ना तो प्यार और भी बढ़ जाता है। कमाल की एक्ट्रेस है तुम्हारी ये दोस्त, जानती हो इसका विशाल आजकल बहुत पीने लगा है और कभी कभी इसे मारता भी है। पूजा तुम्हें क्या हो गया है, आर यू ओके? क्या देख रही हो तुम? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा पूजा, इसे जरा पूछो तो, पहले तो हर वक्त मुझे इल्जाम देती रहती थी, लेकिन अब इसके विशु पर किसने ब्लैक मैजिक किया है जो किसी और के चक्कर में पड़कर इसे छोड़ रहा है? निकी, मुझे बस अभी याद आया, मुझे मम्मी के साथ मार्केट जाना था, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। इट्स ओके। अरे पूजा सुन, तुम्हें देवयानी को अपनी शादी में इनवाइट किया था क्या, वो आई थी क्या तुम्हारी शादी में?
नहीं, नहीं आई थी। क्यों आएगी वो? वैसे भी किसी का घर बसना उसे बर्दाश्त नहीं होता। निकी तू यहाँ से चलना। क्या? कुछ नहीं, ऐसी छोटी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगी। अच्छा चोट, आजा चल चल आजा। तैयार हो जाओ निकिता, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर बना दूंगी। आपने ठीक कहा, इस घर पर बुरी आत्मा का कब्जा है, बचाना होगा इस घर को। इस घर को बचाना होगा।
सिंह जी, 7 बज गए हैं। देवयानी ने मेरी बहू पूजा के अंदर प्रवेश कर लिया होगा। अब जल्दी चलिए ना। गुड़िया तो इसे यहाँ क्यों लाई है? मैंने तुझसे पहले ही कहा था, मेरे मामलों में अगर दखल देगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखा आपने, ये शैतानी आत्मा कैसे पूजा पे कब्जा किए बैठी है। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी पूजा को बचा लीजिए। तेरी पूजा को तो ये बचा लेगी, लेकिन मेरे गुस्से से तुझे कौन बचाएगा? चीता